मेरठ में एक माह पहले पटाखों में विस्फोट में 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए थे। वहीं शुक्रवार की रात लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर ने जाकिर कॉलोनी में छापा मारते हुए हर मकान से भारी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को अपनी हिरासत में भी ले लिया है। यह पटाखे अवैध तरह से बनाए जा रहे थे। सीयू कोतवाली अरविंद चौरसिया ने बताया कि लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर उद्धम सिंह राठौर ने पहले फतेह हल्लापुर में एक बंद मकान में छापा मारा, उसके बाद जाकिर कॉलोनी में आबिद के घर छापा मारा। आबिद के मकान से कई कुंतल अवैध पटाखे बरामद किए गए। इसके साथ ही मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। जांच में सामने आया कि आबिद शहर में कोतवाली से और दिल्ली से आतिशबाजी का सामान लेकर अवैध तरह से पटाखे बनाता था। इसके साथ ही लिसाड़ी गेट पुलिस की तरफ से थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।